हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज आप लोगों के सामने एक नया इंडिकेटर प्रेजेंट करने वाला हूं। एक मेरा सब्सक्राइबर है जिसका नेम है स्टॉक मार्केट विथ किशोर बोल के, बंदे का नाम किशोर है। इसने मेरे को बोला था, सर मुझे एक इंडिकेटर बना के दीजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब के, मतलब आप लोग जो रिक्वेस्ट किए हो मेरे को इंडिकेटर बनाने के लिए, वैसा मैंने बहुत सारे इंडिकेटर मैंने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी बहुत सारे बंदे का रिक्वेस्ट के ऊपर। आज जो रिक्वेस्ट मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, 6 डेज पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, ओनली 6 डेज पहले किशोर जी का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था। तो किशोर जी का ये रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इंडिकेटर मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसने जो स्ट्रेटेजी बना के मुझे भेजा था, लिख के भेजा था, भाई मुझे एक स्ट्रेटेजी कोडिंग बना के दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक स्ट्रेटेजी कोडिंग बना के दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें रहेगा स्ट्रेटेजी के अंदर रहेगा EMA 48 एंड EMA 10। EMA 10, EMA 48 का एक स्ट्रेटेजी रहने वाला है। इफ 10 EMA क्रॉस अबव द 48, 10 EMA जब 48 EMA को क्रॉस करने वाला है तो उस स्ट्रेटेजी में आपको बाई सिग्नल मिलना चाहिए। मतलब 10 EMA 48 EMA को क्रॉस करता है तो उसको बाई सिग्नल चाहिए था, और 10 EMA 48 EMA को डाउन साइड क्रॉस करता है, अपसाइड क्रॉस करता है तो बाई सिग्नल चाहिए, और डाउन साइड क्रॉस करता है तो सेल सिग्नल चाहिए। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। आज इस स्ट्रेटेजी को देखूंगा मैं, बाद में इस स्ट्रेटेजी को मैंने वेरीफाई किया, चीज में रिजल्ट सही में बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू किशोर जी, हमारा जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब में जितना भी सब्सक्राइबर है उसको आपके थ्रू भी थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है। तो आपने जो स्ट्रेटेजी के बारे में बोला था इसके थ्रू भी उन लोगों को हेल्प होगा, तो इसके वजह से मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, ये पूरा स्ट्रेटेजी जो है इसको मैंने बाद में टेस्टिंग किया, बैक टेस्टिंग भी किया, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कहां पर अच्छा काम कर रहा है, क्रिप्टो में भी अच्छा काम कर रहा है ये स्ट्रेटेजी, फॉरेक्स में भी काम कर रहा है अच्छा, और इंडियन मार्केट में भी काम बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये स्ट्रेटेजी का कोड जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ये कोड मैंने, इसका जो फाइल होगा कोड का जो फाइल होगा एक TXT फाइल मैंने डाल लूंगा, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए आपका मेरा टेलीग्राम चैनल से, और आप आपका ट्रेडिंग व्यू में इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं हमारा, देखिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूं। मैंने जो बंदे ने मेरे को बताया था जो 48 EMA, ये 48 EMA है और 10 EMA, जब 48 EMA, इसका पूरा डिफॉल्ट सेटिंग ही मैंने कर दिया हूं, कोई छेड़खानी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो 48 EMA को, इसको जब ये 48 EMA को जब 10 EMA अपसाइड क्रॉस करता है तो आपको क्या मिलेगा, बाई सिग्नल मिलेगा। ये आपका बाई सिग्नल है, ये इसी के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब 48 EMA को 10 EMA डाउन साइड क्रॉस करता है, 48 EMA को 10 EMA डाउन साइड क्रॉस करता है तो आपको सेल सिग्नल मिलेगा। तो यही कंडीशन है और कुछ चेंज नहीं है, जितना कंडीशन मेरे को बताया गया था उसी कंडीशन के रिगार्डिंग मैंने बनाया हूं, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको सेल सिग्नल मिला है, बाई सिग्नल मिल रहा है। और इसमें मैंने एक चीज इनबिल्ट कर दिया, कलर प्लॉट कर दिया, जैसे 48 EMA को बाई साइड के लिए 10 EMA क्रॉस कर रहा है तो कैंडल का कलर आपका कंटिन्यू ग्रीन रहेगा, और जब 48 EMA को 10 EMA डाउन साइड क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कैंडल कलर भी रेड रहेगा। तो आपको समझने में आसानी होगा, मैंने लाइन बीच में हटा दिया हूँ, लाइन को मैंने इनबिल्ट नहीं किया हूँ, जो 48 EMA का और 10 EMA का जो लाइन होना चाहिए उसको मैंने हटा दिया हूँ, उसको नहीं रखा हूँ क्योंकि चार्ट के अंदर रखने का कुछ मतलब नहीं बनता है उसका, तो मैंने इसके वजह से नहीं रखा हूँ। आप चाहते हो तो अपने हिसाब में आप EMA लगा सकते हो, इसके ऊपर उसको रख सकते हो, ठीक है।
ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी बन चुका है। तो आपको देखो, मैंने फॉरेक्स के ऊपर मैंने जब टेस्टिंग किया, ये जीबीपी है, जीबीपी का चार्ट है, फॉरेक्स का एक करेंसी पेयर का चार्ट है, बाय सिग्नल में भी अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, सेल सिग्नल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा बाय सिग्नल में भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और सेल सिग्नल में भी कंटिन्यू मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेटेजी के दौर। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बंदे ने मेरे साथ ये शेयर किया, तो मैं इसलिए उसको भी, किशोर जी को भी मैंने थैंक्स कहा हूँ इसके वजह से। और ये स्ट्रेटेजी आप फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्प होने वाला है, किशोर जी का बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, इसके वजह से ये स्ट्रेटेजी बहुत, मेरे पास भी इतना आइडिया नहीं था ये स्ट्रेटेजी इतना काम करने वाला है। मैंने भी पहले जब मैंने उसका मैसेज देखा था, टेक्स्ट देखा था, तो मेरे को उतना खास नहीं लगा था कि इतना खास ये काम करने वाला नहीं होगा, बट जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। तो मैंने इसके वजह से मैंने इसको इनबिल्ट किया, इसको स्ट्रेटेजी को। बहुत सारा रिक्वेस्ट तो आता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, बट मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो हर दिन हर स्ट्रेटेजी बना नहीं सकता हूं मैं। तो मैं जितना भी होता है मैं ट्राई करके देखता हूं। और आपको पैड स्ट्रेटेजी की चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा पैड स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में भी पैड स्ट्रेटेजी पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, सर कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छा रहेगा वो मैं जरूर आपको बता दूँ, कौन सा स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगता है। आप जो लोग फॉरेक्स में काम करता है उसके लिए 100% एक्यूरेसी वाला आपको रोबोट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके साथ एक साल का मैं VPS कनेक्शन, जो ऑनलाइन कंप्यूटर होते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर का कनेक्शन एक साल के लिए मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए। और इसका जो जो रोबो का कॉस्ट है, फॉरेक्स का जो रोबो का कॉस्ट है, कोई भी करेंसी पेयर में चलेगा, और ₹250 सिर्फ आपको, $250 आपको सिर्फ पेमेंट करना है रोबो के लिए, दूसरा किसी के लिए नहीं है। आपको उसके साथ मैं $700 का मैं एक साल के लिए फ्री कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो VPS का आप सोच सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो मैं इसको एक बार बैंक निफ्टी में टेस्टिंग करके देखूंगा, बैंक निफ्टी में टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में काम कर रहा है क्या नहीं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए यहां से जब सेल सिग्नल चालू हुआ, सेल सिग्नल बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रॉफिट दिया है, सेल सिग्नल पे भी आपको प्रॉफिट दिया है, और लास्ट में बाय सिग्नल, इस कैंडल पे बाय सिग्नल दिया है, बाय सिग्नल के बाद कंटिन्यू आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया है। तो हमारा जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, किसी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ये रिजल्ट फाइंड आउट करके दे रहा है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने में सक्षम है ये इंडिकेटर। तो इसका जो डाउनलोडिंग लिंक होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और आपको अच्छी तरीके से इसका पता चल जाएगा, एक बार बैक टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और इसका एक खासियत क्या है, ये आपको नॉन रिपेंट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। नॉन रिपेंट का सिग्नल का मतलब क्या होता है, नॉन रिपेंट क्या होता है, ये एक बार सिग्नल आपको प्रोवाइड करने के बाद, चाहे 10 कैंडल बने, 5 कैंडल बने, सिग्नल आने के बाद उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, कैंडल क्लोज होने के बाद वो सिग्नल आपका गायब नहीं होगा, मतलब वो सिग्नल आपको धोखा नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉन रिपीट के बारे में। नॉन रिपीट बहुत लोग बहुत तरीके से दिखते हैं, बट मैं सिंपल एक ही तरीका समझता हूँ नॉन रिपीट का, जो एक बार मेरे को कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मेरे को जो सिग्नल मिला है उसी कैंडल पे, जो कैंडल पे सिग्नल मिला है वो कैंडल क्लोजिंग होने के बाद कंटिन्यू रहते हैं, मतलब उसको पूरा कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक ना दूसरा कैंडल आ रहा है, दूसरा सिग्नल आ रहा है, या उसको अपसाइड डाउनसाइड क्रॉस करे तो सिग्नल को जाना नहीं चाहिए, दोबारा रिटर्न जाना नहीं चाहिए उस कैंडल, जिस कैंडल पे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग के ऊपर जो सिग्नल आपको मिला है तो सिग्नल आपको दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ये नॉन रिपीट है, इसमें एक बार सिग्नल आपको उस कैंडल क्लोजिंग के बाद आपको मिल जाता है, या उस कैंडल पे मिल जाता है, कैंडल के मिलने के बाद आपको वेट करना है किसके लिए, आपको कैंडल को क्लोजिंग के लिए वेट करना है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब दूसरा कैंडल शुरू होगा, चाहे वो डाउन साइड आ जाए चाहे वो अप साइड जाए, आपको सिग्नल आपको जाना नहीं चाहिए, चार्ट से आपको हटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है नॉन रिपीट इंडिकेटर, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो इतना तक ही था,
और किशोर जी को मैं और एक बार लास्ट में थैंक्स देना चाहता हूँ, हमारा जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है तो उसको इतना अच्छा एक सजेशन देने के लिए, एक अच्छा मेरे को भी एक सजेशन देने के लिए जो मैं भी सोचा नहीं था इतना अच्छा ये इंडिकेटर काम करने वाला है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड। और दूसरे लोगों के साथ शेयर मत कीजिएगा या जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, पैड इंडिकेटर भी मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिलेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मिलेगा, रोबो ट्रेडिंग के लिए मिलेगा, आप फॉरेक्स मार्केट में रोबो ट्रेडिंग करते हो तो रोबो ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए आप, टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा ऑफर भी मिल जाता है आपको, बहुत सारा इंडिकेटर भी ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है जिसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। आपको इंस्टॉल कैसे करना है, कोड तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलने के बाद ये पाइन एडिटर बोल के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है, पाइन एडिटर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, अब जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें जो कोड मैंने दिया हूं उस कोड को कॉपी करके इसमें पेस्ट करके सेव बोल के एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। इसमें जब क्लिक करेंगे, सॉरी मेरा अभी ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सेव बोल के एक ऑप्शन राइट साइड में आपको सेव ऑप्शन दिखाई देगा, सेव ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए और आपका इंडिकेटर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। ये ओपन हो गया है, इस जगह पे ये ब्लैंक पेज पे इसको सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट कर लेना है पहले। वो कोड को जो कॉपी किए हो आप, कोड को कॉपी जो किए हो, मैंने टेक्स्ट फाइल जो दिया हूं उसको सिर्फ कॉपी करके या तो पेस्ट कर देना है, कंट्रोल सी देके कॉपी करना है, कंट्रोल वी देके पेस्ट करना है, और यहाँ पर जो सेव बोल के ऑप्शन आ रहा है, सेव बोल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव बोल के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके इंडिकेटर सेव हो जाएगा, कोई भी नाम पे आप सेव कर सकते हो, ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल के नाम पे आपको सेव करना है, ऐसा कुछ है नहीं, आपके अपना नाम के हिसाब में भी आप उसको सेव रख सकते हो इंडिकेटर को, ठीक है। बट इसका कोडिंग के अंदर ऑलरेडी ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल का नाम पूरा भरा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए।